अभी के समय में सभी के पास स्मार्टफोन्स होते हैं, लेकिन सभी के पास एक ही परेशानी होता है कि मेरा फोन का बैटरी क्यों नहीं चलता है। स्मार्टफोन्स में क्या होता है कि जब हम उसको यूज़ करते हैं, उसको चार्ज करते हैं, फिर क्या होता है कुछ देर यूज़ करने के बाद वो बैटरी उसका लो हो जाता है या फिर बैटरी चल नहीं पाता है। चाहे वो फ़ोन नया हो या फ़ोन पुराना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग उसको ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर पाते हैं और वह बहुत जल्दी उसका चार्ज डाउन हो जाता है। तो ये सब समस्याएं नए या पुराने फोन में क्यों होती है, आज के इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं मास्टर। और होता क्या है कि हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं जिसके माध्यम से हम लोगों का फोन मतलब चार्ज नहीं चल पाता है और फोन जल्दी से हम लोगों का शटडाउन हो जाता है और हम उसका अच्छे से यूज नहीं करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे अपने फोन को ज्यादा देर तक चार्ज रख के चला सके और क्या करें जिससे हम लोगों का फोन का बैटरी बहुत देर तक चले और जल्दी जल्दी बैटरी खपत ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो गलती हम करते हैं, फोन में ऑटो ब्राइटनेस का पहले से ही ऑप्शन आता है, उसको हम लोग ऑफ ना करके उसी तरह से उसको छोड़ देते हैं। इससे फोन मतलब बहुत ज्यादा आपका बैटरी वो लेता है क्योंकि उसमें ब्राइटनेस ऑटोमेटिक ज्यादा या कम होते रहता है, जिसके चलते हम लोग का फोन जो होता है वो ज्यादा देर तक बैटरी उसका चार्ज नहीं रहता है और जल्दी डिस्चार्ज रहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि अपने फ़ोन का जो ब्राइटनेस होता है उसको ऑटो से हटा के अपने हिसाब से जितना लेवल पे रखना चाहते हैं आप उतना लेवल पे कर दें। हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन को पूरा फुल चार्ज कर लेंगे या जब तक वो पूरा डिस्चार्ज नहीं होता तब तक तो उसको चार्ज नहीं करते हैं। इसके चलते भी फ़ोन का जो बैटरी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि जो अभी के समय में जो बैटरी आ रहा है उसको हम लोग पूरा फुल चार्ज करके नहीं रख सकते हैं। उससे क्या होता है कि हम लोगों का फ़ोन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो मतलब बैटरी बहुत ज़्यादा वो बैकअप नहीं ले पाता है और हम लोग फ़ोन का बैटरी पूरा डिस्चार्ज भी नहीं कर सकते हैं। अभी के समय में हम लोग को फ़ोन यूज़ करने के लिए कम से कम चार्ज आपको 90% करना चाहिए और जब आपके फ़ोन में 20% चार्ज हो तब आप उसको चार्ज करके और फिर 90% तक कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि फ़ोन का बैटरी जो होता है उसका बैटरी बैकअप अच्छा होता है और ना ही ज़्यादा हीट हो पाता है और ना ही ज़्यादा लो हो पाता है। जो हम लोगों का तीसरा गलती होता है, हम लोग क्या करते हैं कि जब इंटरनेट चलाते हैं या कोई भी काम करते हैं, किसी भी फ़ोन का एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको बंद करना भूल जाते हैं, जो टैब्स होते हैं उसको बंद करना भूल जाते हैं। मान लीजिए कि हम लोग नेट पे ही कुछ काम करते हैं तो जब हम उसको ऑफ करेंगे तो या उसको मतलब हम मिनिमाइज करके छोड़ देते हैं और उसको वहीं पे भूल जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब टैब्स ओपन रहता है तो जब टैब्स ओपन रहेगा तो वो सारी चीज़ें जो हम लोग ओपन किए हैं वो अपना फ़ोन के अंदर वर्क करते रहता है, तो इस सब के चलते हम लोग का बैटरी और ज़्यादा खपत होता है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि जब हम लोग यूज़ कर लें तो उसको सबको टैब्स को बंद कर दे, सब टैब्स को क्लोज कर दे, इससे हम लोगों का बैटरी बैकअप बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिना ज़रूरत के हम लोग क्या करते हैं कि वैसे ही ओपन करके छोड़ देते हैं, जैसे वाईफाई हम लोग ओपन करके छोड़ देते हैं, ब्लूटूथ कभी कभी भूल से ओपन करके छोड़ देते हैं, जीपीएस जो होता है उसको हम लोग ऑन करके छोड़ देते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग ऑन करके वैसे ही छोड़ देते हैं और गलती से उसको बंद करना भूल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों के फ़ोन के बैटरी को बहुत ज़्यादा खपत करती है, यानी कि वो सारी मतलब जैसे वाईफाई हो गया तो वाईफाई क्या करता है कि आपके आसपास में नेटवर्क का सर्च करते रहता है। मान लीजिए कि अगर आसपास में कोई भी हॉटस्पॉट खुला हो, उसमें पासवर्ड हो या ना हो, उसका वो सर्च करता है, तो उससे उसके ऑन होने से हम लोगों के फ़ोन के बैटरी जो होते हैं उस पर जोर पड़ता है, यानी कि वो जब फोन वर्क करेगा आपका तो बैटरी उसका ज़्यादा वर्क करेगा तो ज़्यादा बैटरी लगेगा। इसीलिए जब इस सब चीज़ों की ज़रूरत ना हो तो हमको चाहिए कि ये सब सारी चीज़ें बंद कर दें, जब ज़रूरत जिसका हो उसी को ओपन करें और उसी का यूज़ करें। इससे हम लोग बहुत ज़्यादा अपने फ़ोन की बैटरी बचा सकते हैं और हम लोगों का फ़ोन का बैटरी ज़्यादा खपत भी नहीं होगा।
फोन के बैटरी बचाने के लिए आपको डिस्प्ले का जो स्क्रीन आउट टाइम होता है उस टाइम को कम करके रखना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि कोई फोन होता है या उसका 30 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट, मतलब लोग ऐसे ही करके छोड़ देते हैं या हम लोग कभी गलती से ऐसा करके छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग अपने फ़ोन का स्क्रीन टाइम आउट 15 सेकेंड लगा कर रखते हैं उन लोगों का फ़ोन का बैटरी बेहतर चलता है। क्योंकि जब हम लोग फ़ोन का यूज़ करना छोड़ देते हैं, जब फ़ोन चलाना छोड़ देते हैं, तो 15 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिक उसका लाइट ऑफ हो जाता है। इससे क्या होता है कि फ़ोन अपने बैटरी को बहुत ज़्यादा सेव करता है। लेकिन अगर उसका टाइम ज़्यादा होता है तो वो बैटरी को उतना ही ज़्यादा ख़त्म करता है, यानी कि वो बैटरी का उतना ही ज़्यादा खपत करता है। तो हम लोगों को चाहिए कि जो स्क्रीन आउट टाइम होता है उसको कम करके 15 सेकंड रख ले, क्योंकि जब तक आप फ़ोन यूज़ कीजिएगा तब तक फ़ोन आपका यूज़ होगा और ठीक 15 सेकंड बाद आपका फ़ोन का स्क्रीन टाइम आउट हो जाएगा, जिससे आपका बहुत ज़्यादा बैटरी बचेगा। इन सब चीज़ों के अलावा हम लोग जो सबसे बड़ा गलती करते हैं, क्या करते हैं, हम जब फ़ोन का जो ऑटो सिंक होता है उसको हम लोग ऑन करके छोड़ देते हैं। ऑटो सिंक उन लोगों के लिए जरूरत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा ज़रूरतमंद है जो लोग हमेशा ईमेल फोल्डर का अपडेट उनको चाहिए। जिनको ज़रूरत नहीं है ऑटो सिंक, मतलब जिनको ईमेल हर वक्त अपडेट करने का ज़रूरत नहीं है, हर वक्त उन लोगों को ईमेल नहीं मिलता है, वो लोग अपना ऑटो सिंक बंद करके रखे तो बेहतर होगा, और जब ज़रूरत पड़े तो आप ऑटो सिंक कर लें। तो ऑटो सिंक से भी आपके फ़ोन का बहुत ज़्यादा बैटरी खपत होता है। तो अगर आप उसको बंद करके रखेंगे और जब उसका ज़रूरत होगा तब उसका यूज़ करेंगे, तो उससे भी बैटरी जो होता है वो बहुत अच्छा चलेगा और वो उसका बैटरी का खपत भी ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इसके बाद आपको कॉल तभी करना चाहिए जब आपका फ़ोन का सिग्नल अच्छा हो, मतलब जब फ़ोन का सिग्नल अच्छा हो तभी कॉल करें, या सिग्नल अच्छा ना हो तो कॉल ना करें। क्योंकि जब आप किसी को कॉल करते हैं तो नेटवर्क ढूंढने में जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा चार्ज चूसता है। तो इस सब के चलते जब तक आपका फ़ोन का सिग्नल बेहतर ना हो तो कॉल ना करें। और जब आपको इंटरनेट या मतलब मोबाइल डाटा का यूज़ ना करना हो और ना कहीं कॉल करना हो तो आप फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे लगा के रख दें। इससे आपका बैटरी बहुत ज़्यादा सेव रहता है और फिर जब ज़रूरत हो आपको तब आप आराम से एयरप्लेन मोड से फ़ोन को हटा के आप जहाँ भी चाहे कॉल कर सकते हैं, और सिग्नल अच्छा होना चाहिए। जब आपके फ़ोन का बैटरी या चार्जर ख़राब होता हो तो आप जिस कंपनी का फ़ोन यूज़ करते हैं उसी कंपनी का बैटरी खरीदें या उसी कंपनी का चार्जर खरीदें। क्योंकि क्या होता है कि जो थर्ड पार्टी का चार्जर होता है, जो लोकल चार्जर्स होते हैं या लोकल बैटरीज होती है, तो उस सब के चलते क्या होता है कि हम लोगों का फ़ोन जो होता है वो अच्छे से चार्ज नहीं हो पाता है, यानी कि जो सही उसको वोल्टेज चाहिए वो सही वोल्टेज नहीं ले पाता है, और उस सब के चलते बैटरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है या फिर बैटरी का चार्जिंग बैकअप नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि फ़ोन का बैटरी बहुत ज़्यादा खपत होता है और फ़ोन अच्छा चल भी नहीं पाता है। इसीलिए आप लोकल चार्जर या लोकल बैटरी ना लेकर के जिस कंपनी का फ़ोन आप यूज़ करते हैं उसी कंपनी का फ़ोन या उसी कंपनी का चार्जर लें। तो आई होप आपको फ़ोन का बैटरी कैसे बचाना है ये सब बच्चे से समझ में आ गया होगा, तो आप इसको फॉलो करके अपने फ़ोन का बैटरी बचा सकते हैं या आप अपने फ़ोन को ज़्यादा देर तक चला सकते हैं। तो अगर ये सारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग भी ये सारी गतिविधियाँ अपना के अपने फ़ोन का बैटरी सेव कर पाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत